अभी तो मुंबई सिटी में बहुत डर लग रहा है, पुलिस ने सुरक्षा करना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने सुरक्षा देना चाहिए। मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ये आतंकवादी को नुस्त नाबूद करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, दुनिया से करारा जवाब देना चाहिए। जैसा जम्मू कश्मीर के हालात अभी सुधर पाए नहीं है, वैसा ही गाँव मुंबई में भी दहशत भगाना चाहते हैं, वो डालना चाहते हैं, उसी लिए आतंकवादी को ख़त्म करना चाहिए और इस पर सरकार ने ठोस कार्रवाई करना चाहिए और पुलिस वालों ने जनता का सुरक्षा करना चाहिए। पुलिस दल ने भी पुलिस को हम लोगों ने जनता ने ऐसा सपोर्ट करना चाहिए, कोई चीज़ दिखे आतंकवादी दिखे या किसी के हाथ में बंदूक दिखे हथियार दिखे तो पुलिस को कॉल करना चाहिए इमरजेंसी में। माहौल तो ठीक है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, लोगों को जागरूक होना चाहिए, पहले तो कुछ ऐसा संदिग्ध दिख रहा है तो पुलिस को सूचना देना चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए ना, जो भी है रखना चाहिए, जो भी लग रहा संदिग्ध ध्यान देना ही चाहिए, साथ में पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट है आम आदमी को ध्यान देना। आम आदमी हमेशा सोचता है कि पुलिस काम करेगी और जनता बेफिक्र रहती है, पर जनता को भी काम है कि सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जनता हमेशा सब पर भरोसा करती है और बोलती है कि चलो ये हो जाएगा ठीक है, और उस वजह से हमेशा जनता ही फंसती है। जब हम लोग सावधान इंडिया वगैरह जब हम शो देखते हैं उससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसे सावधान होना चाहिए, सभी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी का भरोसा नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस को और चौकन्ना होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई अनहोनी कोई कॉल करता है तो उसके लिए उसे ध्यान से देना चेक करना चाहिए, पर साथ में जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे ने उसी टाइम जस्ट पुलिस वालों को बता दिया होता 5-10 मिनट के अंदर तो सब कवर हो जाता है। सावधानी जनता को अलर्ट रहना चाहिए ना, कुछ भी देख लिया पुलिस को कन्फर्म कर लो।